संपूर्ण दुनिया में चमत्कारिक, रहस्यमी और विचित्र तरह के पेड़, पौधे और लताएं हैं। हम आपको बताना चाहेंगे ऐसे पेड़ों के बारे में जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे विचित्र पेड़ों के बारे में, जो अपनी विचित्रता के कारण ही ये विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। नंबर 1, बाओबाब के पेड़। मेडागास्कर अफ्रीका की भूमि है बाओबाब। वृक्ष बहुत ही मजबूत वृक्ष होता है, इसे हिंदी में गोरक्षी कहते हैं। 30 मीटर ऊंचे इस वृक्ष को देखना बहुत ही अद्भुत है, आप इसे देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। बाओबाब वृक्ष की सबसे पहली पहचान है। इसका उल्टा दिखना, इसका मतलब इसको देखने पर आभास होता है कि मानो पेड़ की जड़ें ऊपर और तना नीचे हो। इस पेड़ पर साल के 6 माह पत्ते लगे रहते हैं और 6 माह यह पेड़ एक ठूंठ की भांति दिखाई देता है। नंबर 2, चमत्कारिक बरगद। यह वृक्ष आंध्र प्रदेश के नालगोंडा में स्थित है। इसकी खासियत यह है कि इस पर विभिन्न जंगली जानवरों की आकृतियां बनी हुई है, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, शेर, अजगर आदि। खतरनाक पशु और पक्षियों की आकृतियां संपूर्ण वृक्ष पर बनी हुई है। लोगों का मानना है कि इस पेड़ के तनों पर किसी ने इन कलाकृतियों को गढ़ा है। उनका मानना है कि यह कोई चमत्कार नहीं है, हालांकि वहीं बहुत लोगों का मानना है कि यह अनोखी प्रजाति का पेड़ है जो कि पूरी दुनिया में इकलौता है। नंबर 3, चीड़ के पेड़। पोलैंड में ग्रेफाइनो के जंगल को क्रूक्ट फॉरेस्ट कहते हैं। इस फॉरेस्ट में पाइन के वृक्षों को 1930 में लगाया गया था। पेड़ों की घुमावदार आकृति मनुष्य द्वारा बनाई गई है, लेकिन यह घुमावदार आकृति आखिर किस उद्देश्य से दी गई थी इस बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि इस जंगल के इन वृक्षों को दुनिया के विचित्र वृक्षों में शामिल किया गया है। नंबर 4, ब्राजील नट्स। इसका वृक्ष बहुत ही विशालकाय होता है, इसे देखना बहुत ही अद्भुत होता है। कहते हैं कि जब यह वृक्ष पूर्ण विकसित हो जाता है तब यह बहुत ही विशालकाय हो जाता है। इस वृक्ष का नट्स बादाम के आकार का होता है, लेकिन उससे 2 गुना बड़ा होता है। वृक्ष में नारियल के बराबर का एक फल लगता है जिसमें 15 से 20 नट्स होते हैं। काजू, मूंगफली, अखरोट, पिस्ता की तरह यह भी खाने में इस्तेमाल किया जाता है। खास बात तो यह है कि यह दुनिया का सबसे विशालकाय वृक्ष है। जब इस वृक्ष के सहारे हजारों तरह की लताएं ऊपर चढ़ जाती हैं, तो इसे देखना और भी अद्भुत होता है। नंबर 5, ड्रैगन ट्री। ड्रैगन वृक्ष को जीवित जीवाश्म इसीलिए माना जाता है क्योंकि जब इसे काटा जाता है तो इसमें से खून की तरह लाल रंग का रस निकलता है। इस वृक्ष का आधार चौड़ा, मध्य भाग संकरा और ऊपर का भाग किसी छतरी की तरह तना हुआ है। इसी कारण यह भाग ऐसा लगता है कि सैकड़ों पेड़ उगकर एक साथ बंध गए हों। अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट पर कैनरी आइलैंड स्थित है। इस वृक्ष को देखने के लिए विश्व भर से लोग आते हैं। नंबर 6, चैपल ट्री। फ्रांस का अलाउविले बेलेफोसे गांव चैपल ट्री के लिए मशहूर है। इसका मतलब होता है ओक के पेड़ में बना चैपल। इसे चैपल ओक ऑफ अलाउविले बेलेफोस भी कहा जाता है। बताया जाता है कि यह वृक्ष 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। ओक के इस पुराने पेड़ की उम्र हमेशा से बहस का विषय रही है। हालांकि 50 फीट ऊंचे इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि यह 13वीं शताब्दी से लगा हुआ है। उस समय फ्रांस में लुईस नोवें का शासन था। कहते हैं कि यह पेड़ 100 ईयर वॉर, ब्लैक डेथ, रिफॉर्मेशन और नेपोलियन के शासन में भी कायम रहा। कहते हैं कि 17वीं शताब्दी के अंत में इस पेड़ पर एक बार बिजली गिरी और ठीक इसके अंदर घुस गई और इसमें आग लग गई थी। फिर भी यह सुरक्षित खड़ा है। इसमें पेड़ के सहारे लकड़ी की घुमावदार सीढ़ियां बनी हैं। ये सीढ़ियां ऊपर बने 2 चैम्बर्स में पहुंचाती हैं। इन कमरों का प्रयोग पूजा के लिए किया जाता है। नंबर 7, द फ्रोम ट्री। कंबोडिया के अंगारकोट में स्थित इस वृक्ष को देखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। अंगारकोट में विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर भी है। यहाँ का जंगली क्षेत्र सिल्क कॉटन के वृक्षों के लिए भी प्रसिद्ध है। सैकड़ों साल पुराने मंदिर और इन पेड़ों को विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। यहाँ के विशालकाय मंदिरों को इन वृक्षों ने ढंक कर रखा है। मंदिर और वृक्ष का यह अद्भुत मिलन देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। नंबर 8, ग्रेट सिकुआ। अमेरिका के
कैलिफोर्निया राज्य के सियेरा नेवादा ढलानों के सबसे बड़े पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट सिकुआ नामक यह पेड़ सिकुआ डेंड्रान वंश का है और इसका जातिगत नाम जाइगेस्टियम है। इसकी ऊंचाई 82 मीटर है। अमेरिका के सिकुआ राष्ट्रीय पार्क में इस प्रकार के 300 से अधिक पेड़ हैं। इनमें से कुछ का नाम अमेरिका के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर रखा गया है। नंबर 9 एक्सल एरलेंसन। इस वृक्ष का आकार प्राकृतिक नहीं है। इसकी प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसे बहुत ही सुंदर किस्म का आकार दिया गया है। जिस व्यक्ति ने इस पेड़ को यह आकार दिया है उसका नाम है एक्सल एरलेंसन है, इसीलिए इसे उनके नाम पर एक्सल एरलेंसन सर्कस ट्री कहते हैं। उन्होंने इस पेड़ को काट कर मोड़ कर अलग अलग तरीकों से शानदार आकार दिया है। उनके अनुसार ये सर्कस ट्री है। दरअसल बास्केट का आकार देने के लिए उन्होंने 6 साइकामोर के पौधे लगाकर डायमंड पैटर्न दिया है। नंबर 10 एंजल ओक। दक्षिण कैरोलिना में एंजल ओक ट्री चार्ल्सटन के पास जॉन्स द्वीप के एंजल ओक पार्क के लाइव ओक में स्थित है। माना जाता है कि यह वृक्ष 300 से 400 वर्ष पुराना है। इसकी ऊंचाई 70 फीट तक होती है। यह वृक्ष देखने में बहुत अद्भुत है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।